प्यार क्या है? इस दुनिया में हर इंसान के लिए प्यार के मायने अलग हैं। किसी के लिए प्यार है किसी के साथ रहकर खुशी मिलना, किसी के लिए प्यार है किसी के बिना ना रह पाना, किसी के लिए प्यार है दिन रात उनसे बात करना और उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें याद करना, तो किसी के लिए परवाह करना। पर एक्चुअली में ये सब प्यार है ही नहीं। अगर आपको किसी को देखकर वाव वाली फीलिंग आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद है। अगर कोई खूबसूरत है तो आपको पसंद आ रहा है, नहीं है तो आप ध्यान भी नहीं दोगे। किसी की खूबसूरती से जब प्यार होता है तो वो प्यार नहीं सिर्फ अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन एक बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी फीलिंग होती है। आप किसी से भी अट्रैक्ट हो सकते हो, इनफैक्ट हर किसी से हो सकते हो, लेकिन प्यार हर किसी से नहीं कर सकते। प्यार वाली फीलिंग हर किसी के लिए नहीं कर सकते। एक्चुअली में आप प्यार करते नहीं हो, आपको प्यार करना नहीं पड़ता, आपको प्यार हो जाता है, ये फीलिंग्स आ जाती हैं। प्यार वो भी नहीं जब आप किसी को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करते हो या उसे छीनने की कोशिश करते हो, वो आपकी सेल्फिशनेस है कि आप किसी को बगैर उसकी मर्जी के खींच रहे हो। तो प्यार है क्या फिर? अट्रैक्शन, अटैचमेंट नहीं। प्यार वो है जब आप किसी के साथ होते हो तो आप खुद को पूरा महसूस करते हो, एकदम कंप्लीट। आपको ऐसा लगता ही नहीं है जैसे ये शख्स कोई दूसरा है, उसमें आप खुद की छवि देखते हो। यू सी योर रिफ्लेक्शन इन दैट पर्सन। लव इज द प्योरेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। प्यार का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं, प्यार बेमतलब है। प्यार है वो जो आप सबसे पहले खुद से करते हो, और जब आप किसी और के साथ रहते हो तो आपको ये नहीं महसूस होता कि ये कोई और है, आपको लगता है कि ये आप ही हो, और आप अपने उस हिस्से को उससे भी ज्यादा जाने लगते हो। प्यार का मतलब ये नहीं कि अब मुझे इसी के साथ रहना है। प्यार का मतलब ये है कि ये शख्स आज है, जहाँ है, जैसा है, बस खुश है और खुश रहे। रहना ना रहना सब किस्मत का खेल है। प्यार होता है तब जब आप उनकी दिल से इज्जत करते हैं, वो जैसे हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, और अगर सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी उन्हें ऊपर जाता देख आप उनसे भी ज्यादा खुश होते हैं। टेम्पररी फीलिंग्स को प्यार का नाम देकर हम आज उसे इतना बदनाम कर चुके हैं कि हमें डर लगने लगा है प्यार लफ्ज़ से भी। और कहीं ना कहीं सच ये भी है कि हम खुद को कितना ही ट्रैक पे रखने की कोशिश करें, सामने वाला कई बार काफी नासमझ निकल जाता है, जो खेल जाता है हमारे जज्बातों से अपने फायदे के लिए, या कई बार कोई किस्मत में ही नहीं होता और हमें डर लगने लगता है प्यार करने से दोबारा। पर जिंदगी यही है, लोग आते हैं टेम्परेली और कुछ ना कुछ सिखा के चले जाते हैं, कोई अच्छी यादें रह जाते हैं तो कोई बेहद बुरी। जरूरी यही है कि तुम अपनी राह मत भटको, तुम्हारा मकसद जो है तुम उसे पूरा करो, जो ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा करो, जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करो। थोड़ा लोगों को परखना सीखो, थोड़ा उनके जज्बातों को समझना सीखो। हम सफर तो सभी को मिल जाता है। चलो ये साल खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी है, तुम नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नोट्स पर ही इस साल को खत्म करना, और नए साल की शुरुआत मुस्कुरा कर करना। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।